दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं मीरा हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को जो लेटर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई कैसे करवा सकते हैं। जो लेटर्स हैं ए बी सी डी ई, वो बच्चे एकदम से याद नहीं कर पाते हैं। जितना बच्चा इस लेटर्स को देखेगा, उतना उसके माइंड में वो लेटर्स का इमेज बनता जाएगा। जितना उसका मन में इमेज बनेगा, उतना जल्दी वो रिकॉग्नाइज करना सीखेगा। सो ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने जो ए फोर शीट्स होती हैं उसको स्क्वायर्स में, रेक्टेंगल्स में कट करके अपने कबर्ड पे लगाया है। आप सॉफ्ट बोर्ड पे भी लगा सकते हो। और उस पे मैंने जो ब्लैक लेटर्स से लिखा है अ, उसका वो फोनिक साउंड है, अ ब क स ड ई, ऐसा उसका फोनिक साउंड्स है। सो बच्चा जब लेटर सीखेगा, फोनिक सीखता है, तो वो अ ऐसे इस साउंड से वो उसको रिकॉग्नाइज करता है। काफ़ी पेरेंट्स को फोनिक साउंड्स नहीं पता होते हैं, इसलिए ऊपर लिखने से पेरेंट्स को भी मालूम रहेगा कि उसका फोनिक साउंड ये है, तो बच्चों को सिखाने में और उसको गाइड करने में इजी हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा फोनिक साउंड के साथ मैंने लिखा है, और दोनों ए बी सी डी लिखा है, कैपिटल और स्मॉल। तो बच्चा एक साथ में दोनों को ही रिकॉग्नाइज करना सीख लेगा। और इससे आप एक टेस्ट भी ले सकते हो कि अगर आपको जब यकीन हो जाए कि बच्चे को ये जो साउंड्स और लेटर्स हैं वो आ गए हैं, उसको याद आ रहे हैं, उसको समझ में आ रहे हैं, तब आप उसका टेस्ट ले सकते हो कि मुझे एस बताओ, एच बताओ, अलग-अलग रैंडम उसको पॉइंट आउट करने के लिए आप बोल सकते हो। अगर बच्चा सही पॉइंट आउट कर लेता है, तो इसका मतलब है उसको ये इमेज और ये लेटर की इमेज जो है वो ब्रेन में प्रिंट हो गई है, उसको समझ में आ गई है। एक बार ये प्रेम इमेज समझ में आने के बाद बच्चा आसानी से वो लिख पाएगा। जब तक इमेज उसके माइंड में नहीं बनेगी, बच्चा नहीं लिख पाएगा। तो आपको ऐसा चार्ट या ऐसा लेटर्स का चार्ट दीवार पर या सॉफ्ट बोर्ड पर लगाना है, और ऐसी जगह लगाना है जहाँ बच्चे को ये रोज़ रोज़ दिखे, सुबह शाम रात उठते बैठते हर टाइम उसको वो देख सके, अपने रूम में टॉयज़ के दीवार पर कहीं पे भी, ऐसी जगह जो फ्रीक्वेंटली बच्चों के नज़र में आती हो, ऐसी जगह पर आपको ये लगाना है। तो इससे बच्चे को रिकॉग्नाइज में आसानी हो जाती है।